रीवा के हनुमना थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के वीडियो वायरल मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा में हनुमान थाना क्षेत्र अंतर्गत दुष्कर्म के वीडियो वायरल करने के मामले में हनुमना पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस मामले को लेकर एडिशनल एसपी अनिल सोनकार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया में एक दुष्कर्म का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसको हनुमना पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें हनुमना पुलिस ने 7 आरोपियों में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि जंगल में लकड़ी बीनने गई एक किशोरी के साथ 7 आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। किशोरी ने डर के चलते थाने में रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और धर पकड़ कर 7 आरोपियों में से 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब पुलिस 2 आरोपियों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि यह दुष्कर्म की घटना हनुमना थाना क्षेत्र अंतर्गत दूसरी बताई जा रही है। इसके पहले भी हनुमना थाना क्षेत्र के जंगल में दुष्कर्म की वारदात घटित हो चुकी है। आइए आपको सुनाते हैं इस मामले में एडिशनल एसपी अनिल सरकार ने क्या जानकारी दी है। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। थाना भी जो ये थाना हनुमना है, इसके अंतर्गत की घटना है। करीब 20-25 दिन पहले एक बच्ची जो है अपनी चचेरी बहन के साथ में जंगल बकरी चराने गई थी। इसी गांव के दूसरे टोले के 4-5 लड़के थे जो उसी जगह जंगल में घूम रहे थे। उनने जो है उन बच्चियों के साथ बलात्कार किया और उन्हें धमका दिया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, यदि बताओगे तो ये वायरल कर। बच्चियों ने डर के मारे रिपोर्ट नहीं दी थी। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो हनुमना पुलिस ने जो है इसमें संबंधित पड़ताल करके पता लगाया कि ये वीडियो किसने वायरल किया है और बच्चियों तक पहुँच करके उनसे बातचीत की। घटना उन्हें स्वीकार किया कि ऐसी घटना घटी है। बच्चियों से जो है अपराध पंजीकृत कराया गया और पता लगाया गया उसमें 7 आरोपियों द्वारा जो है यानी जनान घटना को जो है इनके साथ बलात्कार किया गया था। उनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस। 2 अन्य जो है पुलिस के शुरू पार्टी को देख करके फरार हो गए, जिसमें जिनको गिरफ्तार करने के लिए जो पुलिस पार्टी अलग से पृथक पृथक रवाना है उनको भी जो है पकड़ लिया जाएगा। इस घटना की जानकारी आते ही तत्काल प्रथम पंजीवृत किया गया, आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और इनको सख्त कार्रवाई फास्ट ट्रैक में करवा करके सजा दिलाई गई।